हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12, लिंकन का पत्र। पाठ परिचय। राष्ट्रपति लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा था। यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लिंकन ने इसमें वे सभी बातें लिखी जो वे अपने बेटे को सिखाना चाहते थे। आइए इस पत्र को पढ़ते हैं। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र की शिक्षा आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और नहीं सब सच्चे बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य ही सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे जरूर यह सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम से मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी से जल्दी यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलान पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले ही लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर करने और केवल अच्छाई को ग्रहण करें। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। वह अपनी शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी न बेचे। उसमें शक्ति हो, न कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है।